नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में बंद हो, उनकी सरकार आम लोगों की सुविधाएं मुहैया कराने में पीछे नहीं रही। मौजूदा सरकारी कर्मचारियों के साथ ही रिटायर्ड कर्मियों का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दिल्ली वालों को एक और तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। इससे हजारों की संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोर्ड के पेंशनर्स के लिए ऐलान करते हुए उन्हें पैनल अस्पतालों में कैशलेस सुविधाएं देने की घोषणा कर दी है। शनिवार को बिजली मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा की है। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली बिजली बोर्ड के पेंशनर्स को मेडिकल रिटायरमेंट बेड अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पैनल अस्पतालों में उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार इस फैसले से दिल्ली बिजली बोर्ड के 20,000 से अधिक पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस बाबत एक दो दिनों में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा पेंशनर्स की मुश्किलों को दूर किया है। पहले पेंशन को स्ट्रीमलाइन किया तो अब वादा निभाते हुए कैशलेस मेडिकल सुविधाएं दी है। बिजली मंत्री आतिशी ने बताया कि साल 2002 में दिल्ली के पावर सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म हुआ था। दिल्ली बिजली बोर्ड से बिजली सेक्टर की अलग अलग सेक्टर की इकाइयां बनाई गई थी। इसमें दिल्ली सरकार की बिजली जनरेशन कंपनियां ट्रांसमिशन दिल्ली कंपनी ट्रांसको लिमिटेड और 3 डिस्कॉम्स दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली बिजली बोर्ड की अनबंडलिंग की गई तो सरकारी कर्मचारी उस समय बोर्ड में काम कर रहे थे, उन्हें सभी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने ली थी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए उनमें कई कर्मचारियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें अक्सर समय से पेंशन नहीं मिलती, साथ ही बाकी सुविधाएं भी नहीं मिलती। दिल्ली मंत्री आतिशी ने कहा कि साल 2015 में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तब बिजली बोर्ड के पेंशनर्स ने उनके सामने अपनी सारी समस्याएं रखी और मुझे इस बात की खुशी है कि तब से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बोर्ड के सभी पेंशनर के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया गया और सभी जरूरतों को पूरा किया गया। एक मुश्किल का सामना अब भी ये पेंशनर्स कर रहे थे। बोर्ड में मौजूदा समय में 20,000 से अधिक पेंशनर्स हैं जो पेंशनर रिटायरमेंट के बाद मेडिकल सुविधाओं का लाभ लेते हैं। उन्हें रिटायरमेंट की मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। ये प्रक्रिया दिल्ली बिजली बोर्ड के पेंशन ट्रस्ट के माध्यम से होती थी। जब एक बुजुर्ग पेंशनर को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर मेडिकल बिल रिबर्समेंट के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है तो वो बहुत परेशान होते थे। अब ये पेंशनर कैशलेस मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ नेशनल लाइव 24x7 पर।